सड़क किनारे बाइक पर खड़े युवक को वैगनार कार ने रौंदा, मौके पर हुई मौत। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना सुरी के हारनौल गांव का है। यह 41 वर्षीय सत्यपाल पुत्र मुरारी लाल हारनौल का रहने वाला है, जो कि ड्राइविंग कर अपने परिवार का गुजारा करता था। हर रोज की तरह वह शाम को अपने काम से फ्री होकर मथुरा से अपने गाँव हारनौल जा रहा था, तभी रास्ते में उसे गाँव के साथी मिले। वह उनसे बातें करने के लिए रुका ही था, तभी सामने से आ रही वैगनार कार संख्या UP 85 AV 5262 ने सत्यपाल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सत्यपाल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गाड़ी चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर पुलिस घटना की जाँच में जुटी हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पोस्टमार्टम पर मौजूद मृतक के परिजनों ने बताया। मेरो छोटो भाई मथुरा ते गांव आ रहो, मामा जी की गाड़ी पर ड्राइवरी कर रहो, तो गांव ते पुलिस चौकी ते थोड़ी सी आ गई, मतलब पहले ही दो गांव के मिले बारे उन्हें ते रुकवाई, तो वो बात करने लगे। सामने ते आई हुई वैगनार कार ने खड़े बतराते हुए में टक्कर मार दी और उनकी बाइक भी टूट गई और मौके पर ही इसकी डेथ हो गई। क्या नाम था, कितनी उम्र थी? नाम था सत्यपाल शर्मा, उम्र थी 41 साल। कौन से गांव के रहने वाले? हरनौल। घटना के बाद क्या पुलिस को सूचना दी गई? हाँ, पुलिस को सूचना दी, पुलिस भी आ गई मौके पर। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया? वो पंचनामा तो भर दिया, मुकदमा तो अभी टाइम लग रहा दर्ज करने में, वैसे ले ली उन्होंने। कार चालक था फरार हो गया या पकड़ लिया? वो भाग गया, वो मौके से भाग गया। कार छोड़ के फरार। हाँ।